नमस्कार साथियों, अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, 2 मिनट पहले की खबर, अयोध्या के हनुमान मंदिर में युवक का गला रेत दिया गया है। जी हां साथियों, भयंकर मुठभेड़ हंगामा हो गया है साथियों, बुरी तरह से हड़कंप मच गया है। दोस्तों आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अमेठी से एक युवक का गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना हनुमान मंदिर के प्रांगण में अंजाम दी गई है। युवक अयोध्या में अपने रिश्तेदारी के रहने गया था और रात को गर्मी के कारण मंदिर के प्रांगण में सोया था। सुबह हुई तो लोगों ने खून से लथपथ उसका शव देखा, फिर पुलिस को इस बारे में सूचित किया। पुलिस ने फौरन इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की। अब आगे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय पंकज शुक्ला के तौर पर हुई है। वो अमेठी जिले के अंगूरी गांव सिद्धौर तगंज का रहने वाला है। पिछले कुछ महीनों से अपने ननियाल में रहता था। शनिवार को बिजली न होने की वजह से रात को खाना खाने के बाद मंदिर के प्रांगण में सोया था। जब सुबह हुई तो घर के लोग बाहर आए तो देखा कि खून से लथपथ अवस्था में पंकज का शव पड़ा मिला। देखते ही देखते पहले इलाके में भीड़ जमा हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने कुमारगंज पुलिस को इस संबंध में बताया। पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार मृतक के परिजनों ने जमीनी विवाद था, जिस वजह से अपनी मां को लेकर तहसील लाया जाया करता था। हालांकि अब इस हत्या के पीछे का क्या कारण है पता लगाया जा रहा है। एक वीडियो सामने आई है जिसमें मंदिर के बाहर जमीन पर पड़ा है और उसके गले से खून निकला है। घटना का पता चलने के बाद कुछ लोगों ने पूछताछ चल रही है, जबकि परिवार वालों का बुरा हाल है। पुलिस का बयान साथ लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर शेयर लाइक करें। थैंक यू।